मसूदा थाना क्षेत्र के देवास गांव में शनिवार को अपने खेत में नींबू की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने के दौरान एक महिला अचानक अचेत हो गई। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने महिला को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया, जहां पर रविवार को उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने महिला के शव को मोर्चरी में रखवा दिया और मसूदा थाना पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद सोमवार को मसूदा थाना पुलिस के ASI पांचूलाल गुजर तथा विजयनगर तहसील के नायब तहसीलदार संतोष कुमार ने अस्पताल की मोर्चरी पहुंचकर परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पंचनामा तैयार कराकर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक शनिवार को मसूदा थाना क्षेत्र के देवास निवासी मुकेश प्रजापत की 24 वर्षीय पत्नी शनिवार को नींबू के खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रही थी। इस दौरान सांस के जरिए कीटनाशक दवा का असर होने के चलते उक्त हादसा घटित हो गया। भारतीय वाइफ मुकेश कुमार प्रजापत जाति कुमार ने खेती में काम करते हुए कीटनाशक दवाई की वो से अमृत को हॉस्पिटल में परसों एडमिट कराया था। कल दोपहर में उनकी डेथ हो गई और परिजन आए हैं, परिजनों को डेड बॉडी सपोर्ट कर रहे हैं। तो पेड़ों में कीटनाशक दवाएं छिड़क गई थी।